हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.1 द रियन ऑफ टेरर। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था कि लुई 16 को मार दिया गया था ड्यू टू चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन मींस उसने देश के साथ गद्दारी करी थी और 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अभी हम देखते हैं कि रियन ऑफ टेरर में क्या था। रियन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का राज। जो 1793 से लेकर 1794 का पीरियड था उसे रियन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड कहा जाता है। रॉबेस्पायर, अभी रॉबेस्पायर कौन था? लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था कि जैकोबिन क्लब का जो मेन लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, अभी उसने एक पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। इसके बीच में जितने भी उसके एनिमीज थे, मतलब जो रिपब्लिक को हेट करते थे, इसमें एक्स नॉबल्स आ गए, क्लेरजी आ गए, जो मेंबर्स ऑफ अदर पोलिटिकल पार्टीज, या फिर उसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स जो उसके मेथड्स के साथ एग्री नहीं करते थे, उन्हें क्या करा जाता था? उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, या फिर उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था, या फिर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मींस कोर्ट्स में जो ट्रायल करा जाता था पॉलिटिकल ऑफेंडर्स का। अगर कोई कोर्ट्स में गिल्टी फाउंड करा जाता था, कोई गिल्टी मिल जाता था, तो उन्हें क्या कर दिया जाता था? गिलेटाइंड। इसका मीनिंग क्या था? एक डिवाइस थी गिलेटाइन। इसमें क्या करा जाता था? अगर जो गिल्टी फाउंड करे जाते थे उनका सिर कलम कर दिया जाता था, सिर कलम करा जाता था। और ये इसे नेम किसने दिया था? डॉक्टर गिलेटाइन ने। उस डॉक्टर गिलेटाइन ने इसे इन्वेंट करा था। एक डिवाइस थी जिसमें टू पोल्स होते थे और ब्लेड्स के साथ पर्सन सिर कलम कर दिया जाता था। तो अभी रॉबेस्पायर की जो गवर्नमेंट थी उसने जो लॉस को इशू करा, जिसके बीच में उसने मैक्सिमम सेलिंग करी ऑन बेजिस एंड प्राइजेस। मतलब मैक्सिमम सेलिंग मींस कि जो बेजिस हैं और प्राइजेस हैं वो फिक्स रहेंगे, उन्हें इंक्रीज नहीं कर उन्हें चेंज नहीं करा जाएगा। और मीट एंड ब्रेड के उन्हें राशन कर दिया गया कि प्राइजेस फिक्स कर दिए गए। और पीजेंस को फोर्स करा गया कि फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फिक्स प्राइजेस, कि आपने जो अपनी क्रॉप्स हैं उन्हें फिक्स प्राइजेस के ऊपर सेल करना है गवर्नमेंट को, कि वो चेंज नहीं कर सकते, बाहर जाके वो बेच नहीं सकते उन्हें। और जो यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, और जो यूज़ करते थे एक्सपेंसिव जो वाइट फ्लोर था उन्हें फॉरबिडन कर दिया गया, मतलब उसके ऊपर रोक लगा दी गई, क्योंकि इक्वालिटी के लिए। वो कह रहे थे कि सारे सिटीजन्स उनकी जो रॉबेस्पायर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली कि सारे सिटीजन्स सिर्फ एक जो एक ब्रेड को खाएंगे, मतलब कि इक्वालिटी की सारे एक तरह के जो ग्रेन्स हैं उन्हें ही खाएंगे और कोई फ्लोर नहीं खाया जाएगा। और लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, और जो लोफ है वो होल व्हीट का ही बनेगा। लोफ मींस जो टुकड़े थे। इक्वालिटी वाज आल्सो सोड टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। वो रॉबेस्पायर के अकॉर्डिंगली कि सभी जगह इक्वालिटी होगी जो उसने अपनी स्पीचेस वगैरह में पहले एड्रेस करी थी। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सिएर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हेंसफॉर सिटियन। उनके जो पुराने टाइम में जैसे ये वर्ड्स यूज करे जाते थे, मनस्योर इनका मीनिंग था सर हो गया, मैडम का मीनिंग था मैडम, अभी वो सारे खत्म कर दिए गए और सारे सिटीजन्स को क्या कहा जाएगा? सिटियन, रॉबेस्पायर के अकॉर्डिंगली, मतलब कि सिटीजन कहा जाएगा। इक्वालिटी होगी हर जगह पे उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। और चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया, चर्चेस को बंद कर दिया गया और बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरेक्स में या फिर ऑफिसेस में। इन सभी ये सारी पॉलिसीज जो रॉबेस्पायर के द्वारा अपनाई गई थी। अभी जो रॉबेस्पायर ने जो भी पॉलिसीज अपनाई थी, जो उसके पहले सपोर्टर्स थे, पहले जब रॉबेस्पायर के जैकोबिन क्लब का जब वो अभी भी लीडर था उस टाइम स्टार्टिंग में, जो पहले उसके सपोर्टर्स थे अभी उसके खिलाफ हो गए थे। और फाइनली उसे क्या कर दिया गया? 1794 को, जुलाई 1794 को रॉबेस्पायर को अरेस्ट कर लिया गया। और नेक्स्ट टाइम उसे भी सेम वही पनिशमेंट दी गई जो उसने खुद ही शुरू करी गई थी, मतलब उसे गिलेटाइन कर दिया गया, उसका भी सिर कलम कर दिया गया। तो ये था जो 1793 से लेकर 1794 तक जो टाइम पीरियड रियन ऑफ टेरर का चला। और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक 3.2 आर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस।
अभी कौन सा रूल आ गया था वहां पे फ्रांस में, डायरेक्टली रूल। अभी जो जैकोविन गवर्नमेंट थी उसका फॉल हो गया था, जब रॉबेस्पायर को मार दिया गया उसके बाद जैकोविन गवर्नमेंट का बिल्कुल वो खत्म होगी, और जो बेल्थियर मिडिल क्लास थी मतलब जिनके पास पैसा था उनके हाथ में क्या आ गई, पावर आ गई, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया। अभी जो रॉबेस्पायर की गवर्नमेंट थी मतलब कि जैकोविन क्लब के पास जब गवर्नमेंट आ गई थी तो उन्होंने क्या कर दिया था, सभी को राइट टू वोट दे दिया था, लेकिन अभी उनको डिनाई कर दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब कि नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन था जो सोसाइटी का, उसे डिनाई कर दिया गया कि आप वोट नहीं डाल सकते। तो उसके बाद फिर क्या करा गया, इलेक्ट करी गई, इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट करा गया, जिसके बीच में टू जो वन एंड टू जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने क्या करा, उसके द्वारा क्या चूज करी जाती थी, डायरेक्टरी को चूज करा जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के, टू इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके द्वारा डायरेक्टरी को बनाया गया। अभी डायरेक्टरी में कितने मेंबर्स थे, 5 members, डायरेक्टरी में थे 5 members। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन थी, अभी हमने देखा था लास्ट टॉपिक में कि जब जैकोविन क्लब का जो मेन लीडर था जब उन्होंने मनार्की को ख़त्म कर दिया, रॉबेस्पायर के हाथ में सारी पावर आ गई, तो फिर वही हाल आ गया था कि वन मैन के हाथ में, एक हाथ में सारी पावर आ गई थी जैकोविंस के हाथ में। तो उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ उन्होंने 5 members की एग्जीक्यूटिव में क्या बनाई थी, डायरेक्टरी बनाई थी, जो टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स बनाते थे। तो अभी जो डायरेक्टर्स थे, एक जो डायरेक्टरी रूल आ गया था, अभी उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस वगैरह चलते थे, उनकी एक दूसरे के साथ उनके जो आइडियाज़ थे वो मैच नहीं करते थे, इसकी वजह से वहाँ पे फ्रांस में अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल आ गई थी पॉलिटिकली। तो जो इसकी वजह से क्या हुआ, किसका राइज हुआ फ्रांस में, मिल्ट्री डिक्टेटर का। मिलिट्री डिक्टेटर मींस जो नेपोलियन था, नेपोलियन का रूल आ चुका था फ्रांस में। इसके बाद भी हम थोड़ा सा टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे लास्ट में। तो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भले चेंजेस आए लेकिन लोगों में अभी कौन से आइडियाज आ गए थे, चेंजेस आने स्टार्ट हो गई थी भले गवर्नमेंट में, लेकिन लोगों के माइंड में जो फ्रीडम का आइडिया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ का आइडिया था, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सारी जो इंस्पायरिंग आइडियाज थे जिन्होंने क्या करा, डेट मोटिवेटेड पोलिटिकल मूवमेंट्स, इन्होंने लोगों को इंस्पायर करना स्टार्ट कर दिया और पोलिटिकल मूवमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई, एंड फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, आने वाले टाइम में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, 4th section इस चैप्टर का, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।